हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अफजल ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज के मेरे इस वीडियो में हम बात करेंगे ओमिक्रॉन से बचने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। दोस्तों, कोरोना वायरस जब से आया है उसके कई सारे वेरिएंट्स आ चुके हैं और अभी जो लेटेस्ट वेरिएंट आया है उसका नाम है ओमिक्रॉन। दोस्तों, इसे खतरनाक इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक से दूसरे में बहुत ही तेजी से फैलता है, बहुत ही फास्ट फैलता है। लेकिन राहत की बात यह है कि इससे बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन हमें हमारी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पे हमें नहीं जाना है, बहुत ज्यादा जरूरत हो तो ही जाना है। मास्क ये हमेशा यानी हमारी आदत बना लेनी है, कंपलसरी मास्क पहनना है, अपने हाथों को हमेशा सैनिटाइज करते रहना है। तो दोस्तों, हम जो कुछ भी खाते हैं उससे हमें पोषक तत्व मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लेकिन हमें ऐसी कुछ चीजें खानी है जिससे कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मदद मिले। नंबर एक है गुड़। गुड़ खाने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और अगर इसे काढ़े में मिलाकर पिया जाए तो इसके फायदा और भी बहुत ज्यादा है। ये नॉर्मली होने वाली सर्दी जुकाम से भी आपको बचाता है। गुड़ में आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और पोटेशियम जैसे तत्व हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। नंबर टू है आंवला। ज्यादा करके लोग आंवले को अपने मुंह के स्वाद को बदलने और अचार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आंवले के अंदर ऐसे पोषक तत्व हैं जो ओमिक्रॉन से लड़ने में बहुत मददगार हैं। आंवले में विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इससे ठंड में होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। दोस्तों, आंवले का इस्तेमाल अचार, आंवले का जूस, आंवले का मुरब्बा किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें मिलने वाले सारे पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स ये आपके शरीर को बहुत मदद पहुंचाते हैं। नंबर तीन है घी। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि भाई घी खाया करो, घी खाया करो, लेकिन हम हमेशा उनकी नसीहत को इग्नोर कर देते थे। बट आज समझ में आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कहते थे। घी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। यह ना सिर्फ आपकी बॉडी को गर्म रखता है बल्कि इंस्टेंट एनर्जी देता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। नंबर चार, यह है खट्टे फ्रूट्स, जैसे कि मौसम्बी, संतरा, नींबू। इन सारे फ्रूट्स के अंदर विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा भरी हुई होती है। ये आपके इम्यूनिटी की सिस्टम को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। ठंड के मौसम में इन फ्रूट्स का इस्तेमाल तो हमेशा करना चाहिए और ये फ्रूट्स तो आसानी से मिल भी जाते हैं। नंबर पांच है बाजरा। दोस्तों, बाजरे में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है। ऐसा कहते हैं कि बाजरे में मौजूद विटामिन बी हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है और ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है ये। और हमारे देश के कई हिस्सों में बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो ठंड के मौसम में हमारी बॉडी को गर्म रखने में भी ये बहुत ज्यादा मददगार है। नंबर छह है पत्ते वाली सब्जियां, जैसे कि गोभी, फूलगोभी, पालक, मेथी। इन सबको खाना भी ओमिक्रॉन से बचने के लिए बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों, ये है कुछ खाने की चीजें जो आपको ओमिक्रॉन से बचने में मदद कर सकती हैं। बस इन सारी चीजों को आपकी डेली लाइफ में शामिल कर लीजिए। आप रेगुलर तरीके से इन्हें खाना शुरू कर दीजिए ताकि ऐसी भयानक बीमारियों से हमारे शरीर को लड़ने में शक्ति मिल सके। और आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आप अपनी फैमिली और अपने दोस्तों का पूरा ख्याल रखिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, शेयर जरूर करें क्योंकि ये आपकी और हमारी जरूरत भी है। और प्लीज सब्सक्राइब भी करते रहें।